नमस्ते, मैं अनुष टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस करें आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनका एक्शन क्या होगा, रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखें। और यहाँ आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, इंटेंशन बिल्कुल सही रखना है। और ये हमेशा याद रखें, कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप लाइफ में सही डिसीजन ले पाएँ। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, स्टडी, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफर फोकस करते हुए भी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है। तो अपना ध्यान जरूर रखें और गाइडेंस को जरूर फॉलो करें। तो देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। The dream, guidance, flowering, ठीक है। flowering की energy आई है। The burden, awareness, stress, इस card को मैं जरूर क्लियर करूंगी, गाइड करूंगी। आज तो बेहद की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जस्ट प्लीज गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ सोर्स, द फूल, क्वीन ऑफ वांड्स, Wheel of Fortune, Four of Wands, Seven of Swords, Eight of Swords, The Devil, Queen of Swords, Ten of Wands, What on the deck se hai? The Hangman and the Hierophant, ठीक है? तो देखिए, वर्डम द डेक से इधर भी आया है, द वर्डन एंड द हैंडमैन, वर्डम द डेक से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अवेयरनेस और स्ट्रेस है, सॉरी साइन बता देती हूँ यहाँ पे, साइन कप्स। देखिए यहाँ पे द व्हील की एनर्जी है, तो समझ लीजिए कि सारे साइन है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं सारी एनर्जी को आपको शेयर करती हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अगर पूरे साइन नहीं मिल रहे हैं, जहाँ वर्ल्ड की एनर्जी आती है, वी आर द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समझ जाइए कि सारे साइन के लोग हैं, ठीक है। प्रे ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति है, क्योंकि सारे साइन को यहाँ कवर करती है, ठीक है। तो याद रखिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो सारे साइन के लोग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं साइन बता देती हूँ, इसलिए आप लोग को गाइड करती हूँ कि दिमाग में सिर्फ राशि 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 राशि, द व्हील में सारे साइन होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, द हैंडमैन है तो पाइसेस, लिब्रा, लियो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है द हैंडमैन। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जितने साइन है मैं फिर हिंदी में भी बता देती हूँ। मेष सिंह और धनु राशि, मीन कर्क वृश्चिक राशि, तुला कुंभ मिथुन राशि। ठीक है, नंबर्स मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ मुझे दिख रहे हैं, और 6 नंबर। ठीक है, देखिए वी आर द वर्ल्ड है, तो वी आर द वर्ल्ड क्या कहता है? वी आर द वर्ल्ड एक नई शुरुआत को कहता है, एक साइकिल कंप्लीट को कहता है, ट्रैवल को कह रहा है और गुड न्यूज़ को कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल भी है, ये साइकिल को भी दर्शाता है। ठीक है, या आपकी साइकिल रिपीट हो रही है, या आपकी पुरानी पैटर्न रिपीट हो रही है, या फिर आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और गुड न्यूज़ हो रही है। वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, द व्हील यहाँ कर्मा से रिलेटेड भी गाइड कर रहा है और एक न्यू शुरुआत से रिलेटेड भी गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। ठीक है, ये एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, बट कुछ व्यूअर्स द वर्ल्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून और स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे सेपरेशन को दिखा रहा है। कुछ व्यूअर्स आपके पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ व्यूअर्स आपके पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्लो हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस वक्त बर्डन प्रेशर में हैं और द डेविल की एनर्जी में हैं और सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ष मैं गाइड करना चाहूँगी, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ष अभी भी आप लोग के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन सिचुएशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है जहां वो निकल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इसलिए आपके तरफ स्ट्रांग डिसीजन लेकर आपके तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि कुछ व्यूअर्स आपके रिश्ते में अभी भी काफ़ी डॉट्स की एनर्जी है, गलत फहमियाँ हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सेवन ऑफ सोर्ड्स मैंने वीडियो मॉर्निंग के वीडियो में भी डाला है, रात के वीडियो में डाला है, कि कुछ व्यूअर्स आप और आपके पार्टनर को स्पिरिट, माइंड, बॉडी, सोल को इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें हीलिंग चाहिए। टेम्परेंस भी कह रहा है उन्हें हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, तो टेम्परेंस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो सेपरेशन के वजह से क्या हो रहा है कि काम जो है, जो प्रोसेस है आपके रिश्ते का, वो स्लोली स्लोली हो रहा है, क्योंकि स्लोइंग डाउन है। हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक रिश्ते में हीलिंग नहीं होगी, पुराने पैटर्न्स रिपीट होंगी, इतना याद रखेंगे। तो कुछ वर्ष आपके पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, जहां आपको अपने सोल को भी हील करना है और रेस्ट लेना है, ताकि आपके पार्टनर को भी हीलिंग प्रोवाइड हो सके। ठीक है, सिर्फ गुस्से से, निगेटिव सोच से, प्रेशर से, बर्डन से, या उन्होंने आपके साथ धोखा दिया, इन्होंने आपको तकलीफ दी, उन बातों को याद कर आप अपनी एनर्जी को ट्रिगर ना करें, क्योंकि जब एनर्जी को आप ट्रिगर करते हो तो डेविल वहां पर आता है। ठीक है, जब डेविल वहां पर आता है तो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करता है, जहां आप अपने पार्टनर को भी कोसते हो, बददुआओं देते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब रिलैक्स होते हो तो इस पर्सन को ही आप मैनिफेस्ट करते हो, उनको ही याद करते हो। तो कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी ट्रिगर हो रही है, और क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी है, अगर आपको जस्टिस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि वो कर्मा फेस करें, तो आपके बोलने से वो कर्मा फेस नहीं करेंगे, आपको माफ़ करने से वो कर्मा फेस करेंगे। क्योंकि अगर आप उनको चेस कर रहे हो, अगर आप उनकी बर्बादी चाह रहे हो,
तो ये एनर्जी जो आप सेंड कर रहे हो, जो एनर्जी आप सेंड कर उनको भेज रहे हो, वो रिटर्न आपके तरफ भी आ रही है। तो उनको सिर्फ आप मत कीजिए, सिर्फ कहिए कि मुझे जस्टिस चाहिए, और उसके बाद ये प्रोसेस है यूनिवर्स से बात करने का, अर्थ मदर से बात करने का। ग्रैटिट्यूड दीजिए, कमेंट में भी भले आप कुछ लिखिए, लेकिन ये मत लिखिए कि वो कर्मा फेस करे। वो जहाँ आप कहते हो कि कर्मा फेस करे, वो रिटर्न एनर्जी आपके तरफ भी आती है। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, सीरियसली नहीं सोच पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको गाइड कर रहा है, और ये गाइडेंस भी दे रहा है, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो आपको जस्टिस चाहिए और उसके बाद ग्रैटिट्यूड। ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, धोखा दिया है, तकलीफ दिया, इस इंसान ने आपके साथ हो सकता है फिजिकली रिलेशनशिप बहुत बनाया है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है, मतलब मन चाहा वो आए, मन चाहा वो गए, मतलब वो द फूल की एनर्जी में आपके साथ रहे। तो बाबू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है कि वी आर द वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ के लिए है पुराने पैटर्न्स, तो जो मैंने गाइड किया वो अपने जीवन में जरूर गाइड करे खुद को। ठीक है, क्योंकि जितना उस इंसान के पीछे भागोगे और कहोगे वो बर्बाद हो जाए, तो वो बर्बाद नहीं होता है, आपकी एनर्जी ट्रिगर होने लगती है, जहाँ आपके अंदर डेविल आता है, जो आपको ट्रिगर करता है, सोने नहीं देता, से नेगेटिव थॉट स्टैक रहना, निकल नहीं पाना, और ये सोल कहता है कि मुझे हीलिंग दो, मुझसे प्यार करो, मैं थक चुका हूँ। ठीक है, जब आपके अंदर डेविल आता है तो आपका सोल स्पिरिट कहता है कि मुझे प्लीज़ मुझे प्यार करो, मुझे हीलिंग दो, मुझे फ्लावरिंग की एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो कि आपके अंदर है, बट स्ट्रेस की वजह से वो चीज़ बाबू नहीं ठीक हो पाता है, बर्डन की वजह से वो चीज़ आप हील नहीं कर पाते हो। तो यहाँ सुबह की वीडियो या रात की वीडियो में आई थी कि आपका स्पिरिट, आपका सोल हीलिंग मांग रहा है, रेस्ट मांग रहा है, आप या आपके पर्सन को। इसलिए सिर्फ आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, सेल्फ लव चाहिए, और ग्रैटिट्यूड आपको लिखना है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड हमेशा लिखे, जब भी आप कमेंट में कुछ भी लिखते हो, उसके बाद यूनिवर्स को, गॉड को, किसी भी इष्ट को, अर्थ मदर को, फेरी मदर को, ब्रह्मांड की शक्ति को, गौ माँ को, मेरे कृष्ण को, माँ काली दुर्गा रानी को, जो भी शिव भक्त हैं, जिनका भी नाम लेकर आप जितना चीज़ लिखते हो, उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड जरूर लिखो। ठीक है, वो आपके हित में पॉजिटिविटी आती है, और जस्टिस की तरफ आपकी विश पूरी होने लगती है। तो ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ष मैंने गाइड कर दिया कि अगर बार बार एक ही चीज़ को सोच रहे हो और बार बार आपको तकलीफ हो रही है, तो 100% है कि आपका सोल ढूंढ रहा है मुझे प्यार और मुझे हील करो, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, एक बार मुझे भी देखो। जब आपका बॉडी ही काम नहीं करेगा तो आप किसी को क्या प्यार दे पाओगे, और क्या आप प्यार ले पाओगे, क्या जीवन में खुशी अट्रैक्ट कर पाओगे, क्या वर्ल्ड की खुशियां आपको मिल पाएगी। तो आपका सोल भी कह रहा है, कुछ वर्ष आपके पार्टनर इस एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी द लवर्स की एनर्जी काउंटर पार्ट की एनर्जी मिरर करती है। ठीक है, और एक चीज़ कि बहुत सारे व्यूअर इस वक्त आपके पार्टनर के सपने आ रहे हैं, इस वक्त भी बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के अगर आपको सपने आ रहे हैं तो 100% है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और वो अगर आपको आप उनके सपने में जा रहे हो तो आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो। लेकिन द ड्रीम की एनर्जी 6 नंबर की, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो इस रिश्ते में उनका एक सपना देखा है, जहाँ वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर चलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें उलझी हुई है जो सुलझ नहीं पा रही है। लेकिन ये प्रेशर और बर्डन क्यों है, कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज है, द डेविल है, जो आप दोनों की रियूनियन तो वो चाहते हैं बट होते होते रह जाती है। तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अवेकनिंग जब होती है, जब आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिवाइन की जो पावर है, डिवाइन जो अपना काम करते हैं, वो सपने के थ्रू भी करते हैं, कर्मा के थ्रू भी करते हैं, जजमेंट के थ्रू भी करते हैं। एक दूसरे को या आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, सपने में आ रहे हो, लेटर्स देख रहे हो, सरनेम देख रहे हो, कुछ उस टाइप के फेसेस वाले इंसान को देख रहे हो, तो ये सब है कि कभी कभी आप मिरर करते हो और सपने के थ्रू भी
जजमेंट और गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स के तरफ से, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स ये चीज बातों से आपको निकलना है कि उसने मुझे मेरे प्यार को ठुकराया है, मुझे किस हाल में छोड़ दिया है, मेरा ट्रस्ट को तोड़ दिया है, मैंने प्यार किया था और मुझे सेपरेशन और धोखा मिला, मैं इस तकलीफ से कैसे निकल पाऊँ, मैं इस बर्डन से कैसे निकल पाऊँ। लेकिन ये चीज़ आपको बार बार अगर ट्रिगर कर रही है तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, हीलिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, क्योंकि कुछ वर्ष स्लोइंग डाउन की एनर्जी है तो काम थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स, ये जो मैंने गाइडेंस दिया, गाइडेंस आपके लिए है, तो ये प्रॉपर आप वीडियो को बार बार सुनिए, दिमाग में उतारिए और अपने लाइफ में इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये डिवाइन जो आपको मैसेज दे रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब रही बात कुछ और एनर्जी की, तो मैं शुरुआत करती हूँ, वी आर द वर्ल्ड स्लोइंग डाउन, तो कुछ आपको मैंने गाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन भी होने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ऑफर भी करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर से हो सकता है बातचीत हुई हो या हो सकता है उस समय में रियूनियन भी हुई हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स फिर से आप लोग की रियूनियन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर तकलीफ में हैं, ठीक है। और देखिए उनकी द डेविल की एनर्जी यहाँ कह रहा है, द फूल की एनर्जी कह रहा है, द ड्रीम की एनर्जी कह रहा है, फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी कह रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कह रहा है कि इनके अंदर आपके लिए प्यार, इमोशंस और अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मन में किसी प्रकार का डर भी है, क्योंकि कुछ वर्ष जब आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, जैसे फ्लावरिंग की एनर्जी हुआ, आप साइन कर रहे हो, ठीक है, आपका डिवाइन कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है, मतलब आपके वाइब्रेशन जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हर दिशा जो है वो पहुंच रही है, इवन कि आपके पार्टनर तक भी। तो कुछ व्यूअर्स आपका नेचर स्वभाव एंड फ्लावरिंग की एनर्जी, जो डिवाइन की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स है फ्लावरिंग की एनर्जी पर, ठीक है, आप देख सकते हो फ्लावरिंग की एनर्जी में कमल है। तो कमल क्या है, कमल क्या विनश है, पूरे ब्रह्मांड जो है हमारे कमल पे विराजमान है, माँ सरस्वती कमल पे विराजमान है, माँ लक्ष्मी कमल पे विराजमान है, पूरे ब्रह्मा जी हमारे कमल पे विराजमान है, हमारा क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा जो है हमारा थर्ड आई चक्रा से ऊपर जो होता है वो है क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा के ऊपर क्या, उसे क्या कहते हैं, वो कमल है, ठीक है, जो कि कमल क्या कहता है, जो हम डिवाइन से कनेक्शन जो कनेक्ट करते हैं वो क्राउन चक्रा थर्ड आई चक्रा से करते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो आपकी फ्लावरिंग वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत कुछ कर रहे हो, छा रहे हो और आपकी जो वाइब्रेशन है आपके पार्टनर तक पहुंच रही, इवन कि कुछ लोगों तक पहुंच रही है, आप साइन कर रहे हो और आपका कुछ व्यूअर्स जो आप छा रहे हो, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपका जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका ऑरा है जो बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेपरेशन में है आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आप इस एनर्जी में हो, जो कि आप एक छाने वाली एनर्जी है, क्या कहते हैं कि आपके पास सारी शक्तियाँ दिख रही है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, चाहे वो सरस्वती जी हो या लक्ष्मी माँ हो, सरस्वती माँ हो या कोई ब्रह्मांड की शक्ति हो, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, और आपका ऑरा यहाँ पे देखा जाए बहुत ही स्ट्रांग और ये चीज हर जगह छा रही है। तो कुछ व्यूअर्स आप साइन कर रहे हो, ठीक है, आपका लक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे आपके ग्रोथ में, आपका नॉलेज में, आपका फेम में, आपका नेम में, आपका करियर में, तो आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वो अब आपके तरफ धीरे धीरे वो चीज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर आप में हो रहा है, ये चीज आपके पार्टनर के लाइफ में बटन दे रहा है, ठीक है, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ये चीज आपके पार्टनर के लाइफ में बटन दे रहा है, क्योंकि एक टाइम था इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, बट आज वो अपनी डेस्टिनी से आपको क्यों जोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको नींद नहीं आ रही है, और इस रिश्ते को पाने के लिए हो सकता है कि वो डेस्टिनी से आपको जोड़ रहे हैं, कि अगर आप उनसे मिले हो तो उनका खास, गॉड का खास मकसद होगा, आप यूं ही उनकी ज़िंदगी में नहीं आए हो, उनका थॉट्स है, अगर आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाओगे तो ये डर उनको सता रहा है और ये चीज़ बर्डन दे रहा है,
बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये आपसे पूरी तरह मिलेंगे नहीं, और मतलब मन की बेचैनी तब इनकी दूर होगी जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, रूबरू मिलेंगे, आपको देखेंगे, समझेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि आप उनके हो। नहीं तो मन का डर है कि कहीं इनके साथ गलत ना हो रहा हो और ये इन्हें तकलीफ दे रही है, ठीक है, ये इन्हें तकलीफ दे रही है। लेकिन ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये आपसे मिलना चाहता है या मिलना चाहती है और आपकी तरफ बिंदास बढ़ना चाहता है। क्योंकि अगर ये आपसे नहीं मिलेगा या नहीं मिलेंगी तो भाई इनको बहुत बर्डन बढ़ने वाला है, प्रेशर बढ़ने वाला है, और इनकी किस्मत ऐसे भी सपोर्ट नहीं कर रही। हो सकता है इस वक्त कुछ वर्ष आपके पार्टनर बर्डन के साथ साथ कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका मान स्वाभिमान, आपका एटीट्यूड और आपका सेल्फ लव, जैसे आपका लाइफ में चेंजेस आना, ये चीज़ उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बढ़िया है, ये बहुत सारे व्यूअर्स साइन कर रहे हो और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, गाइडेंस भी फॉलो कर रहे हो या आप गाइडेंस ले रहे हो तो कुछ आप परिवर्तन देख रहे हो, या आप गाइडेंस के थ्रू आप कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या आप उस गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, या आप किसी को गाइड कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप किसी को गाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अपने आत्मसम्मान को देखा है, ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी को देख रहे हो, कुछ अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाह रहे हो। तो ये परिवर्तन जो आपके पार्टनर को क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बदल रहे हो। तो ये चीज़ अब आपके पार्टनर के मन में डर पैदा कर रहा है और ये परेशान है, वहाँ से निकलना चाहते हैं जहाँ ये बंधे हुए हैं। अब ये जहाँ भी बंधे हों, चाहे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या मदर हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर भी सपना देख रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन स्ट्रॉन्ग एनर्जी की कुछ जो फ्लावरिंग की एनर्जी में है उनकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है। जिनकी फ्लावरिंग की एनर्जी रहेगी, समझ जाइए कि वहाँ पे आपकी कुंडली अवेकनिंग है, यानी कि पूरा 7 चक्र आपका हील हो चुका है, यानी कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो चुका है। उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। आपने यहाँ कुछ भी सोचा और वहाँ एनर्जी चली गई। यहाँ आपने जो सपना देखा वो सपना की फीलिंग्स आपके पार्टनर के पास चली गई। अगर आपने उनको फोटो से बात किया, कुछ मैसेज किया, वो उनके पास चली गई। तो जो फ्लावरिंग की एनर्जी में उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो गई हो, क्योंकि ये 7 चक्रा की हीलिंग होती है, कुंडली अवेकनिंग होती है, और ये ऑरा आप देख रहे हो कि आपका ऑरा है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और आपका किस्मत भी यहाँ सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स, अगर इस वक्त आपके पार्टनर सेपरेशन में है तो बाबू किसी के लिए कुछ टाइम लगेगा, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। तो आप अपनी एनर्जी को हील करें, खुद पर वर्क करें। कुछ लोग को टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप खुद की भी हीलिंग करें और जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आपके पार्टनर को भी हीलिंग होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आने की तैयारी कर रहे हैं या फिर हो सकता है आपसे कांटेक्ट भी हो गई होगी। तो यहाँ चेंज दिख रहा है, रियून दिख रहा है, मेंटली फिजिकली आपके पार्टनर आपके क्लोज आना चाहते हैं ताकि उनके जो इनबैलेंस एनर्जी है, जो द हैंडमैन की एनर्जी है और ये कर्मा फेस करें, प्रेशर बर्डन है और मन में डर है कि इनके साथ कहीं धोखा ना हो रहा है। देखिए मन में कभी कभी शक भी होता है, ये इंसान ऐसा है कि मन में शक भी होता है क्योंकि डेविल की एनर्जी में कुछ भी दिमाग में चल सकता है कि कहीं आप उन्हें धोखा दे रहे हो, तो धोखा डर ये भी हो रहा है। लेकिन ये बंदा आपसे मेंटली एंड फिजिकली आपके करीब आना चाहता है या चाहती है और वो आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। कुछ सपने हैं जिसके थ्रू आपके पार्टनर और भी आपके करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सपने आप देख रहे हो, कुछ सपने वो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत चांसेस है मिसिंग एनर्जी और रियूनियन की एनर्जी। और कुछ सेपरेशन में हो तो आपके पार्टनर सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो बर्डन, ये बर्डन है, लेकिन अग्रेसिव एनर्जी है। तो इनके मूड पे विश्वास मत कीजिएगा, मूड मतलब कभी भी मूड, समझ गए, मूड स्विंग्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो 7 ऑफ सोर्ड्स है, द डेविल है, और ये अवेयरनेस की एनर्जी है और यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ हीलिंग की एनर्जी है। तो याद रखिए कि अभी जब तक आपकी पूरी हीलिंग प्रोसेस नहीं गई है तब तक आपको मैंने हर वीडियो में गाइड किया है कि थोड़ी आपको अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है। कहीं आप इमोशंस में आकर आपने पूरे अपने आप को समर्पण कर दिया, कल हुआ कि स्ट्रेस ले लिए,
बटन ले लिए, अरे मेरे को तो उसने फिर से धोखा दे दिया, ठीक है, फिर से कल वही होगा, अरे मैंने मौका भी दिया फिर मेरे साथ उसने ऐसा किया, फिर मुझे इसने ब्लॉक कर दिया। तो थोड़ा सा मेरे कुछ व्यूअर्स, जज्बात में आकर कोई ऐसे कदम नहीं उठाना है जहां आपको स्ट्रेस भरे। और अगर आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया कीजिए, प्रेशर बर्डन को कम कीजिए, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इनकी एनर्जी जो है अभी मन में क्या है, डेविल एंड सेवन ऑफ सोर्स। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से आपको अवेयर रहना है, बहस नहीं करना है, बहुत सवाल जवाब नहीं करना है, बातचीत होती है तो ये अभी भी सच्चाई आपसे कुछ नहीं कहने वाले, ठीक है, 100% ये आपको पूरी सच्चाई नहीं कहने वाले हैं। हाँ, आपसे मिले हैं तो कुछ स्टोरी ये जरूर बना सकते हैं, वो झूठी हो या सच्ची हो, मिला जुला कर ये आपसे कुछ स्टोरी भी बनाकर आपसे ये कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की एनर्जी है तो सावधान रहें। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी रियूनियन होने वाली है, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी हैं कि आपके रिश्ते में स्लोइंग डाउन एनर्जी काम कर रही है। तो जो मैंने शुरुआत में गाइडेंस जो दी है उस पर आप काम करेंगे और ये गाइडेंस फॉलो करेंगे, लाइफ में खुशी और परफेक्ट रियूनियन भी होगी, रिश्ते में विश्वास भी बढ़ेगा, कोई प्रेशर बर्डन नहीं होगा। लेकिन इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर बर्डन में है, प्रेशर में है, अग्रेसिव एनर्जी में है, उनको भी कभी कभी आप पे डाउट्स होता है कि आप उनके ट्रस्ट को तोड़ रहे हो। तो ये डेविल की एनर्जी में रहते हैं ना, तो आपको कुछ सुना भी सकते हैं, ब्लेम भी कर सकते हैं, अगर उनका मन चाहा आपने काम नहीं किया तो फिर आपको कुछ भी ये कह सकते हैं। तो जब इनके ज़रूरत के काम नहीं होंगे तो आपको हट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप समझ सकते हो आपकी नीड हो रही है। और ये नीड जानते हो किस तरह की है, मेंटली तो है ही, फिजिकली तो है ही, लेकिन अग्रेसिव भी है। अगर इनका मन चाहा काम नहीं हुआ और आपने किसी बात को लेकर इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया, तो इनको लगेगा कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है, धोखा दे रहे हो, और मन में डर होगा, ये कुछ सुना जाएंगे। इसलिए आपको कोई सवाल जवाब नहीं करना है, अगर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बचाकर भी रखना है, याद रखिएगा एनर्जी को बचाकर भी रखना है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपको अपनी इनर वॉइस की ज़रूर सुनना है, और पैसे से रिलेटेड कोई बातचीत होती है तो थोड़ा वहाँ भी अवेयर रहना है, सोच समझ कर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो कुछ वर्ष यहाँ पे गुड न्यूज है, ठीक है ना, आप लोग के पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर स्लो हैं, ठीक है, सेपरेशन भी दिख रहा है, बर्डन भी दिख रहा है, लेकिन मिलना चाहते हैं बट थोड़ा काम प्रोसेस स्लो है। लेकिन जिनकी जिनकी बात और मुलाकात और रियूनियन हो रही है जरूर कमेंट में लिखिएगा, गाइडेंस आपको किस हद तक आपको गाइड कर रहा है, कितना आप उसे फॉलो कर रहे हो और आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जरूर कमेंट में लिखिएगा। लेकिन उसके बाद ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स, अर्थ मदर को, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, देखिए तो कुछ वर्ष दो कार्ड जो निकले हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं किस चीज पे काम करेंगे, मेहनत करना चाहते हैं। कुछ वर्ष आपको मैंने क्या बोला था, मन चाहा काम इनका हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बंदा या बंदी आपको कुछ सुना सकता है या सुना सकती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ गए थे ये साइन कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की एनर्जी है, ठीक है, मकर वृषभ और कन्या राशि, ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, काम पर वर्क करना चाहते हैं। इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स अपने लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से चल रहे हैं, तो ये मेहनत भी कर रहे हैं, काम पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर भी, अपने पेंटिकल्स पर भी ये फोकस है। इसलिए हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स, मैंने क्या देखा, तो आपको अपनी इनर वॉइस की सुनिए, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर हो सकता है आपसे हेल्प लें, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपको रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ व्यूअर्स आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बचना है, बचाना है, एनर्जी को बैलेंस करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। आपके पार्टनर के जो मन की मनसा है, उनके मन में डर है, अगर आप उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रहे तो आप धोखा दे रहे हो, लेकिन आपको हीलिंग कर रहे हो तो आप अपने अंतरात्मा की सुनोगे, ठीक है।
तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अगर अच्छी लगे डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिए जिनकी ज़रूरत है, जिसको आप अगर किसी को शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अपना ध्यान रखते हुए, अपने हीलिंग पर ध्यान रखते हुए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।